सबसे पहले तो साहिब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद हो और इतना अच्छा लगा कि फिल्म कंप्लीट हो गई और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन साहिब भाई को मैंने बोला था कि भाई मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊं, मेरे ख्याल से डॉट टाइम पे मैं पहुंचा। तो खुशी इस बात की है कि फिल्म रिलीज हो रही, सबसे बड़ी बात। फिल्में तो बन जाती हैं और ना जाने कितनी फिल्में बनी हैं, लेकिन रिलीज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रिलीज़ हो रही है फिल्म, इसकी बहुत खुशी है और मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएँ, शुभकामनाएँ, मुबारकबाद, सारी चीज़ें। फिल्म टाइम पे रिलीज़ हुई है और बहुत ही गिवन डेट्स पे इन्होंने शूटिंग कंप्लीट की है, सबसे अच्छी बात है। और बहुत ही स्मूथ शूटिंग हुई है और जब मुझे ये रोल सुनाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली मुझे जिस तरह के रोल मिलते हैं वो आपको मालूम है ना, कोई इंस्पेक्टर के दे दिया, कुछ कॉमेडी हो, कुछ इस तरह का। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लड़की के बाप का रोल है जो इमोशन है, उसमें सीरियसनेस है। और मेरी बेटी जो है वो जो है एक शिकार होती है, धोखे का शिकार होती है, गलत लड़के के चंगुल में पड़ करके उसका मर्डर होता है, इनकाउंटर होता है। तो जिस तरह का ट्रेलर भी बता रहा, दर्शा रहा है, तो इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए, एक तरह से ये भी सबक है। और मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है, मीडिया पर्सन अगर आज मीडिया वाले ही है जो फिल्मों को भी जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे और जितनी ज़्यादा तारीफ करेंगे उतना ही अच्छा इस फिल्म के लिए होगा। मेरा रोल बोला बताया ना मैंने, थोड़ा लड़की के बाप का रोल है, हीरोइन के बाप का रोल है। किस तरह से हम उस लड़के पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी लड़की की शादी उससे करवा देते हैं और लेके जाता है और उसको कहाँ उसने गलत राह पे उसको लगा दिया, और उस तरह से लड़की हमारी बेटी का इनकाउंटर होता है, उसी सदमे में मेरी मौत भी हो जाती है फिल्म में। तो बहुत अच्छा इमोशनल था और मुझे करने में मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि इस तरह के रोल्स मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो आई एंजॉयड द रोल, बहुत अच्छा लगा। सर, साबिर सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? आपने बहुत बड़े महान कैरेक्टर के साथ किया है। नहीं, हम मेरा तो ये रहता है कि डायरेक्टर कोई भी हो, जब हम चाहे वो साबिर साहब हों या फिर कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर राजकुमार संतोषी या हिरानी क्यों ना हो, तो हम अपना काम पूरा ईमानदारी से करते हैं और पूरी इज्जत देते हैं डायरेक्टर को। आप पूछ सकते हैं साबिर भाई कि भाई डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द शिप, तो वो जैसा बोलेगा वैसा हमको करना है और हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। बस साबिर भाई बहुत अच्छे रहे, बहुत प्यारे, स्मूथ, बहुत ही शांत, काम एंड क्वाइट, इन्होंने इस तरह से काम किया है, बिल्कुल बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से और सिंसियरिटी के साथ काम किया है और वो देखने को मिलता है, ट्रेलर में दिख रहा है, फिल्म में भी देखेंगे आप, फिल्म बहुत अच्छी बनी। मुश्ताक सर, जैसे इस फिल्म के अंदर एक दिखाया गया है, अभी तक तो सब कुछ सही दिखाया है, लेकिन इसमें बार बार ये सुनने में आ रहा है मीडिया को फेक दिखाया है, तो आपको लगता है क्या मीडिया फेक है? मीडिया मीडिया उसमें बताया गया है फेक मीडिया ने उछाला है, तो मीडिया फेक का सर आपके हिसाब में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, यही लगता है और किसान भाई भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो उनके सिचुएशन उनके हालात जिस टाइप से होते हैं उस हिसाब से उन्होंने काम करते हैं और जो उनको ऑर्डर्स या इंजीनियर्स की जो रिपोर्ट्स मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इस फिल्म के लिए सोसाइटी को क्या मैसेज? सोसाइटी को तो मैंने कहा कि देखिए क्या है, जो पहली बात तो ये कि जो माँ बाप हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो है उस पर नज़र रखें कि उनकी दोस्ती किसके साथ में है, किसके साथ मिलते हैं, और अनजाने में जो है किसी के साथ में कोई ऐसे ताल्लुक बन जाते हैं जिससे फर्ज और पूरी मतलब और पूरी इंक्वायरी करना चाहिए लड़के की, कहाँ से क्या है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है, बहुत जरूरी है। ये एक सबक है बहुत जरूरी माँ बाप के लिए, कोई भी हो। कई लोग हैं जो मतलब मासूम है, कई कई फंसे हुए हैं सिर्फ दोस्ती की वजह से। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं प्रदीप चुरियाल, उन्होंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था
प्रदीप चुरीवाल, इससे पहले भी उन्होंने रियल स्टोरी पर ही फिल्म बनाई थी डार्क चॉकलेट, ये सब्जेक्ट भी उनका ही था, उन्होंने सिलेक्ट किया था कि इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं इस टाइप का, और तब हम लोगों ने बनाया। और मुश्ताक भाई और सुमांत और जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने पूरी टीम ने इतना सपोर्ट किया कि हम सो मच थैंकफुल, मतलब सभी लोगों के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों का भी और पूरी टीम का, क्योंकि बिना किसी के कोऑपरेशन के कुछ काम नहीं हो सकता, टीम वर्क होता है। थैंक यू। ये जो कहानी है इसका बैकग्राउंड जो बैकड्रॉप है वो गुजरात का है, और इस वजह से हम लोगों ने कुछ पोर्शन गुजरात में शूट किया और कुछ बॉम्बे में शूट किया, इसलिए इसको हम लोगों ने दो लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग काफ़ी सिंगल स्क्रीन को भी हम लोग कवर कर सकते, क्योंकि अब जो वहाँ पर मतलब काफ़ी इंटीरियर में जो है मल्टीप्लेक्स वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा इसको गुजराती में ही बनाते हैं, और हिंदी तो है ही, मतलब हिंदी में काफ़ी तब तक कवरेज होता है। तो जैसा टाइटल है द रियल एनकाउंटर, तो एनकाउंटर किसका हो गया है और इससे इंस्पायर्ड है ये कहानी, इसके बारे में देखिए, ये एक इनकाउंटर हुआ था गुजरात में जो काफ़ी मतलब चर्चा में रहा, और करीब करीब 8-10 साल तक इसके केसेस वगैरह चलते रहे, तो उससे इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने एक ड्रामेटाइज किया कहानी को, और हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहानी बनाई, उनका क्या किया था कि इसको ड्रामेटाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं जो इनकाउंटर करते हैं उनके पीछे जो कंट्रोल रूम में होते हैं, और फिर पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी अलग होती है, तो कोशिश की हम लोगों ने कि उन लोगों के कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दिखाने की, तो ये एक जो इनकाउंटर से उससे इंस्पायर होकर हमने इसको दिखाया। मैं सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके फिल्म में, किरदार के बारे में कुछ बताइए। किरदार कमिश्नर अभिनेता एक ऐसा होता है जो हर किरदार निभाना अच्छी तरह से, साबिर शेख जो है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था तब ये मुझसे मुलाकात किए थे, लेकिन 30-32 साल के बाद मैंने इनके साथ पहली बार काम किया है, इन्होंने मुझे रोल बताया, एक कहानी ऐसी जिससे जो जब इन्होंने टाइटल बताया कि रियल इनकाउंटर, तो मैंने कहा ये तो तकलीफ आ जाएगी, तो बोले नहीं ये हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक इनकाउंटर से, तो मैंने कहा फिर ठीक है करते हैं, तो जब रोल मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा, और आप सब लोग तो जानते हैं कि जब इस तरह की कहानी होती है और पुलिस वाले जब इसको अंजाम देते हैं वो मजबूरी में हो जाता है, जैसा मेरे किरदार में आपने देखा होगा कि ऑर्डर तो मैं देता हूं लेकिन अब मजबूरी ऑफिसर्स के सामने क्या होती है उसके वजह से वो इनकाउंटर कर लेते हैं, तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ लेकिन दूसरे और भी मीडियाज होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं वो इसको इतना उछाल देते हैं कि हमारी जो पब्लिक है हमारी जो ऑडियंस है वो इसमें खो जाती है और उसको वाकई रियल समझ लेती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो बस यही चंद बातें हैं जो देखनी पड़ती है, लेकिन मीडिया वाले बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं, इतनी सी बात को बड़ा कर देते हैं, तो वो जो ऑडियंस में बात फैलती है, होता है ऑफिसरों से गलती होती है, मारना किसी और को चाहते हैं मर कोई और जाता है, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारियां होती है ना, उनकी भी तो अपनी फैमिली होती है, वो अपने आप को बचाएंगे पहले, आप लोगों ने सबने फ्लाइट में सफ़र किया है, फ्लाइट में कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम पहले करें, उसी तरह की थी हमारी पुलिस भी होती है, पुलिस अच्छा करना चाहती है, और इसी जरिए कहानी के जरिए हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि भाई ये एक इनकाउंटर था, रियल बनाया गया नहीं है, था उसको हमने बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके स्क्रीन प्ले करके अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश किया। नहीं, ये किसी से कोई किसी से कंसल्ट नहीं होता है, इशरत जहां तो बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कहां ला सकते हैं स्क्रीन पर, तो ये किसी से इंस्पायर्ड मतलब नहीं है, एक चीज है मिक्स एंड मिंगल अप करके अपने हिसाब से कहानी बनाई गई, ड्रामेटाइज किया, किसी ना किसी एक की तकलीफ है, एंटरटेनमेंट वैल्यू, ये फिल्म देखने के बाद आप लोग अपने खुद ही टच किसी का नहीं है,
टच किसी अगर किसी के घर का कोई बेचारा एनकाउंटर में चला जाता है तो अपने से जोड़ लेता है, वैसा किसी से कोई कहानी किसी से जुड़ी नहीं, अलग। अनिल सर आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी को रोकना है, उसके रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक, ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल, लुब्रिकेशन सब कुछ लगता है। अब बेसिकली पॉलिटिक्स गेम ही ये है कि कैसे किसी की गाड़ी चलाई जाए और कैसे किसी की गाड़ी रोकी जाए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो कि पॉलिटिशियन बनने में बहुत मजा आता है, पावर की फीलिंग आती है, जैसे जज की चेयर पर बैठ के जज फील होता है आपको अपने पावर की, केस को आप जेल भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो एहसास होता है। वैसा ही इस फिल्म में काम करके बहुत मजा आया। साबिर भाई से तो बहुत पुरानी पहचान थी, जब इन्होंने कहा कि आपको आना है और अपने को ये करना, हमने कहा जरूर करेंगे। और वाकई अच्छी लाइनें थी, अच्छे डायलॉग थे, अच्छा सीन था, मजा आया। काफी कुछ काम एक एक्टरों का बहुत आसान कर दिया था साबिर भाई ने, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि यार इधर से टेक लो, उधर से टेक लो, इधर से टेक लो, कम से कम 8 टेक देने होते थे। बट मैंने जब साबिर के साथ हमने काम किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यार हम काम कर रहे हैं, हंसते खेलते आए, एक चाय पिए, जो चुस्की के भाई शॉट दिए, चले गए, बोले हो गया, हाँ सर हो गया, फिर नेक्स्ट वही गुजराती में बोलना। जब आप फिल्म प्लान कर लेते हैं, आपके माइंड में फिल्म होती है एक मेकर के, तो आपको पता है इस सीन में मेरे को इतना चाहिए, तो आप उतना ही लेते हैं। हाँ। जब आपको नहीं पता, जो आजकल टीवी में होने लग गया है कि साहब आप कैमरा ऑन, इस एंगल से पूरा शॉट लो, इस एंगल से पूरा शॉट लो, पूरा मेड क्लोज, दैट इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नोइंग व्हाट यू वांट, टेकिंग दैट मच एंड लीविंग द रेस्ट बिहाइंड। थक जाता है एक एक्टर जो है ना, वो थक जाता है, लेकिन इनके साथ काम करके हमको थकान महसूस नहीं होती। चले जाते थे, फिर हमने कहा कि भाई कुछ रिटेक देना है, बोले नहीं नहीं हमारे पास है, तो बस ऐसे से हंसते खेलते बन गई। बेसिकली क्या है कि मैं एडिटिंग से हूँ और मेरे डैडी भी जो है एडिटर थे, बॉडिया मूवी टाउन में काम किया करते थे, मतलब मेरे ख्याल से 1942 से लेकर 82 तक तो उन्होंने काफ़ी फिल्में की। शेख इस्माइल नाम है उनका, उन लोगों ने मतलब रिपोर्टर राजू में फिरोज खान को इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बाद में फिर दरी वाला क्या संजीव कुमार को निशान में इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी मतलब पारस मनी वगैरह काफ़ी फिल्म। तो मैं बचपन से एडिटिंग मूवी ला पे हम लोग देखा था, फिर जब मैं शुरू हुआ तो एडिटिंग से ही शुरू हुआ, तो मैं शुरुआत में एडिटिंग में था, जब फिर डायरेक्शन में आया तो फिर रमेश जी से लेकर फिर आदमी मनकुल जी के साथ में काफ़ी लोगों के साथ में काम। तो हमने सोचा कि ये जब से ये डिजिटल आ गया तो लोग क्या करते हैं कि पहले क्या हमारा एक प्रेशर होता था कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक यूज नहीं करेंगे, स्टॉक महंगा होता था, तो वो एक हमारा स्कूलिंग है कि जितना चाहिए उतना ही पहले ही डिफाइन कर लें। और मल्टी कैमरा सेटअप सभी लोग कहते हैं आज की तारीख में कि अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो भी लाइटिंग होती है उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट कैमरामैन कर सकता है, बाकी चीज़ें जो है बाद में फिर डीआई में करेक्ट की जाती है। और कई सीन्स ऐसे होते हैं जो मल्टी कैमरा सेटअप पे अच्छा होता है क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज हर सीन में ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मल्टी कैमरा सेटअप में इमोशनल सीन्स वगैरह है तो रिटेक मैच नहीं होते, वो ठीक है, लेकिन हर जगह यूज़ करने का कोई मतलब नहीं आता, जिसमें पूरे पूरे सीन्स वाइड में भी ले रहे हैं, मास्टर में भी ले रहे हैं, फिर क्लोज में भी ले रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। और फिर ये होता है, मैंने एक चीज़ ये देखा, जितने ज़्यादा टेक होते हैं तो आर्टिस्ट थक जाता है, 2 या 3 टेक 4 टेक तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब वो आर्टिस्ट होता है तो उसकी थकान जो है वो स्क्रीन पर दिखती है, तो हर एंगल से जो अलग अलग मतलब शूट करते हैं। साबिर सर, एक फिल्म आई थी चोटी एलएलबी करके, जिसमें सेम मल्टी कैमरा सेटअप उठाया गया था, तो क्या उससे कुछ अलग होने वाली है फिल्म या फिर नहीं? देखिए क्योंकि वो चीज ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, तो क्या अलग होगा इस फिल्म का? देखिए जॉली एलएलबी का कंटेंट अलग था, सब्जेक्ट अलग था, और उसमें जो उन्होंने किया वो उस सब्जेक्ट के साथ। हमेशा क्या होता है कि मैं कभी भी किसी को मतलब ये टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए देखिए पहले के लोग जैसे हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से स्टॉक यूज़ करते थे, सब्जेक्ट के हिसाब से कैमरा टेकिंग और टेकिंग यूज़ करते। ये जॉली एलबी का उसका अपना थॉट था, उसके हिसाब से उन्होंने किया। हम लोग जो है अभी जैसे इसमें एक्शन भी है, गाना भी है और बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो इसका थॉट अलग है। अगर कोई हम लोग
दिस इज अभी मैंने दो फिल्में की थी, डबल क्रॉस एक करार, तो करार में हम लोगों ने किया कि, मतलब उसमें पूरी फिल्म का कलर हम लोग डीओपी के साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि फिल्म को क्या कलर करें। पहले भी ये होता था कि हम कौन सा स्टॉक यूज़ करेंगे, कहीं ऑरो यूज़ करना है, कहीं गेवर्ड करना है, या कहाँ टेक्निक कलर करना है, तो उस हिसाब से फिल्म का बेस डिसाइड होता था। और टेकिंग भी मेरे ख्याल से उसी टाइप से डिसाइड होनी चाहिए कि हर जगह जो है अपने कैमरा हैंडल शॉट्स यूज़ नहीं कर सकते। कई फिल्में कई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड करते हैं कि सटल हो, तो ये चीज़ें हैं। तो वो अलग अलग टेक्निक डिपेंड ऑन सब्जेक्ट है। अगर पीरियड ड्रामा कर रहे हैं तो वहाँ की टेक्निक अलग होगी, अगर थ्रिलर करेंगे तो उसकी टेक्निक अलग होगी। मतलब टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मेरी फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट जो डिमांड करता है उसके हिसाब से। सर, ये जो आपने पिक्चर बनाई है, मैसेज किस तो को देना चाहते, क्राइम पर है या? देखिए, ये बेस्ड टू क्राइम है। अब इसमें क्या है कि जिस जो क्रिमिनल है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और जो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग इनकाउंटर करते हैं, जो उन्होंने किया है, उनका उनकी उस फील्ड में सिचुएशन उनकी क्या होती है, फिर उनके जो हेड्स होते हैं, जैसे अभी ये हैं डीआईजीज और जो कंट्रोल रूम में जो बैठे होते हैं, उन पर क्या प्रेशर होता है, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद में अपनी जान पे खेल के लोग जो भी काम करते हैं और उसको फिर सर्टिफाई जो भी करता है मीडिया या और भी लोग हैं, और फिर उसको कैसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो इसका मिक्सचर है ये फिल्म। दिखाना यही चाह रहे हैं कि सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कई बार क्या है, मैंने ये कह रहा कि फर्जी इनकाउंटर वाली बात जो है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग पहले न्यूज देते हैं कि आज एक आदमी को पकड़ा जो टेररिस्ट है या जो क्रिमिनल है, अब वो अरेस्ट होगा, केस होगा, तब पता चलेगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं। हम कभी ये न्यूज नहीं लिखते कि एक नागरिक को पकड़ा, तो सर्टिफाई तो पहले ही आपने कर दिया। आपने कभी ऐसा सुना कि भाई एक घर के ऊपर हमला बोल दिया, वहां टेररिस्ट थे, तो ये पता कैसे चला? तो अगर आप हेडलाइंस को आप देखिएगा, तो ये तो जब दो साल तीन साल जब भी केस चलेगा उसके बाद पता चलता है कि वो बाइज्जत बरी हो, तो हम कैसे उसको फर्स्ट न्यूज में हम लोग सर्टिफाई कर सकते हैं। जो बुलेट के शॉट्स थे बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे, इसके लिए कुछ खास तैयारियां की गई क्या, ऐसी हो गया? नहीं, बुलेट सब लोगों ने रियल मतलब यूज किए हैं, जो है मोस्टली जो है बहुत पुराने हमारे से बैक टू बैक एक्शन में, एक्चुअली राम साहब के साथ में छः सात साल रहा हूँ, राम शेट्टी के साथ में कुछ पोर्शन मैंने शूट किया एक्शन, और सिराज भाई बहुत ही राम शेट्टी के साथ में रहे, फिर उन्होंने काफ़ी फिल्में के साथ में, मैं डायरेक्शन में था उनके साथ में, आदमी वगैरह किए उन्होंने, गद्दार किए, उसके बाद में फिर उससे पहले भी फिल्म AK-47 किए, वो थोड़ा बहुत एक्शन का थोड़ी देर से सीखा उससे। म्यूजिक एक ही गाना रखा है हमने, क्योंकि थोड़ा सा एक ही आइटम गाना रखा है हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ओवरऑल जब हम पिक्चर का ग्राफ देखते हैं तो थिएटर में साइकोलॉजिकली आदमी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सिचुएशन ऐसी थी कि, और जितने भी लोग क्राइम करते हैं तो क्राइम से पहले भी वो लोग रिलैक्स अपने आप को करते हैं, जितने भी सपोज लीजिएगा कि काउंटर किलर मतलब क्या उसको बोलते हैं, काउंटर स्पेशली बोलो या जितने नहीं जो भी क्रिमिनल भी होते हैं ना जो पेड होते हैं, तो वो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि 24/7 वो लोग वो सोच नहीं सकते कि हमको जाना है, अटैक करना है करना, वो अपनी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इन्जॉय करने के लिए रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, तो उसलिए एक गाना डाला। सर, मैं क्या बता रहा हूँ, उसमें ये जैसे मैं भी कमर्शियल सिनेमा से ही हूँ, तो उसमें सारी चीजें हैं, जहाँ पर जैसे पुलिस की जो मैंने देखा कि उनकी बेबसी है वो भी है उसमें, उनका उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और ड्यूटी को ओबे करने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, तो ये उनकी एक मजबूरी है। जो लड़की या लड़का जो है उन लोगों के अपने रोमांस और जो भी उनके लाइट मोमेंट्स हैं, और वो किस तरह से उस चीज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को इनोसेंट भी कहती है तो है तो क्रिमिनल के साथ, तो क्यों है, तो वो एक हमारा एक लाइट पोर्शन है। अच्छा, बच्चे जो है अनजाने में किसी से दोस्ती बना लेते,
और उससे जो है माँ बाप को किसी को पता ही नहीं होता कि किसके साथ में कहाँ जुड़े। जैसे ट्रेलर में देखा होगा मेरी बेटी जो है तो अपना मासूम थी, मतलब मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि वो दोस्त किसके साथ किस साथ दोस्ती की। और फिर आप जानते हैं कि गेहूँ के साथ गुड़ पिसे आता, मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना, ताकि अगर कभी ये सिचुएशन आ जाती है तो उससे अनजान नहीं रहे, उससे क्या कहते हैं कि उसे मालूमत रहे कि भाई हाँ ये, तो वो माँ बाप को एक माँ बाप एक सबक दे सके कि बेटा वो लोग गलत है, ये लोग गलत है। इस तरीके से ये सब मिलजुल के एक सेट बनाया गया। और ऑफिसरों की क्या पोजीशन होती है, पॉलिटिशियंस कैसा दबाते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर कितना दबाव होता है, छोटे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स, DIG उसके ऊपर भी कोई लोग होते हैं, तो ये प्रेशर दिखाने की कोशिश की गई है, काफी फिल्मों में दिखाया गया है, बट सारा मिक्स इसमें इसमें हम लोगों ने मिक्स करे ताकि बोर्ड भी जिसमें कि एक बायस भी नहीं हो, और कोशिश ये की कि हम लोग कहीं इसको कहीं कोई इसको लेबल भी नहीं करे कि कौन किस चीज को मतलब साउथ के डायरेक्टर उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं, उसके बाद रामन्ना के साथ में तो काफी मतलब गद्दार ने की आर्मी मैंने की, उसके बाद में AK-47 की, तो थोड़ा बहुत जब इतने सालों 6-7 साल 8 साल उनके साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा तो मतलब चीज़ें आएगी। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कॉपी किया कुछ। और फिर जो हमारे एक्शन वाले थे वो भी अरुणा के साथ में एसोसिएशन में काफ़ी काम किया उन्होंने। बहुत से एक चीज़ ये सीखी मैंने कि बहुत डिसिप्लिन होता है और काम से काम लोग काफ़ी हमारे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, हर आदमी दूसरे को काम सिखाता है, इस बेहतर है कि अपना अपना काम, तो वो इस वजह से जो है वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। हम लोगों ने काफ़ी साउथ में काम किया। लेकिन सर पहले आप बता रहे हैं स्टॉक पे शूट होता था, अभी डिजिटल पे शूट हो रहा है, तो इसमें हमारा इंडस्ट्री पे कुछ फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा ना, बहुत पड़ा। देखिए क्या होगा कि सबसे पहली बात तो क्या, डायरेक्टर और कैमरामैन उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो गए, हमको ये सोचना नहीं कितना स्टॉक का पास है। पहली आर्टिस्ट अगर 5 की जगह 6 रिटेक दे तो कोई टेंशन नहीं, आर्टिस्ट अच्छे से अच्छा काम कर सकते, कैमराज हैंडी हो गए, कई चीज़ें ऐसी है कि हम लोग लो लाइट पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। दूसरी बात यह कि हम ऑन द स्पॉट उसको एडिट करके इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, मतलब डेवलपिंग प्रिंटिंग का चक्कर नहीं है कि हम लैब में जाएंगे डेवलप होंगे और क्या होगा देखेंगे। VFX के लिए हमारे काबिल, देखिए न्यू टेक्नोलॉजी जब मतलब जब शुरुआत में मैंने मीडिया कंपोजर सीखा था तो लोग बोल रहे थे कि ये नहीं होगा, कोटेक कंपनी आएगी, इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी बंद जाएगी, लेकिन क्योंकि फॉरन में आ चुका था, फिर मैं ग्राफिक्स के लिए कुछ कोर्सेस वगैरह की, तो आज जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स ऑन द स्पॉट, आप यू कैन विजुलाइज एडिट, आप जो है आपका विजुलाइजेशन जो है बहुत बढ़ जाता है, तो बेनिफिट्स है। अच्छा इंटरनल इंस्पेक्टर भी है, मेरा नाम अब रोहित शर्मा है और मैं सीक्रेट पॉलिटिक्स CSF 25 ईयर्स गवर्नमेंट में रहा, उसका डीएस लेके अभी चीफ सिक्योरिटी एयरपोर्ट। मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं काम किया था, तो मुझे मौका दिया गया तो मैंने साबिर साहब का धन्यवाद कहूँगा कि हमने रियल तो पिस्टल वगैरह की है, कमांडो स्पोर्ट्स की है, फायरिंग की है, लेकिन जो सर के साथ मजाक काम करने में आया बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं आई, जैसे सर 5-5 शॉट देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा एक सीन में 2 सीन में ओके थी, तो बाकी फिल्म के अंदर जो मेरा अनुभव है ये सबको पसंद आएगी, इसमें बहुत शिक्षा भी है। और जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे किससे मिल रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप जुए घर में या कहीं ठंडी घर में जाते हैं, पुलिस वहाँ पर रेड मारती है, चाहे आपने वहाँ पर शामिल होना हो लेकिन वो सबको उठा के ले गए, तो इसलिए अपने फिल्म के थ्रू मैसेज आएगा कि अच्छे दोस्तों से दोस्ती करें और आपके पेरेंट्स को आपकी गतिविधियों का पता होना चाहिए, अगर वो बच्चे कहीं गलत भी है तो उसके पेरेंट्स गाइड करें। थैंक यू। हमारे साथ ही थे सब रिहर्सल करके आज भी रिहर्सल। सर आप बताइए इस फिल्म में आपका क्या किरदार? मेरा इस फिल्म में एक टेररिस्ट का किरदार है और अब स्टोरी क्या बताऊं मैं, काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा
और आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। साबिर सर बहुत सीनियर हैं, बहुत, और उनके साथ आपको काम करके कैसा? बहुत ही अच्छा लगा, मुझे इतना सीखने को मिला कि जब मेरा शॉट नहीं भी होता था तो भी मैं 4 घंटे 5 घंटे और मेकअप के साथ कॉस्ट्यूम के साथ रेडी रहता था और मैं ऑब्जर्व करता था सेट पे, क्योंकि सर का काम करने का तरीका और इतने सीनियर हैं तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और मैंने इतना सीखा है इस फिल्म से, इतना सीखा है और सर से पर्सनली इतना सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं इस फिल्म में अब्बास का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि जो हीरोइन है मुस्कान, उसकी उसका भाई, बड़ा भाई, और ये एक अलग सा रिलेशन है भाई बहन का। बहन का जिस जितना अपने फैमिली के साथ नहीं है, मॉम डैड के साथ, उससे ज़्यादा रिलेशन, मतलब एक बॉन्डिंग भाई के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके, और साबिर सर के साथ तो फिर क्या ही बोलूं, बहुत ही मतलब ये क्लियर थे अपने कोई भी शॉट के लिए, कभी भी एक भी एक्स्ट्रा शॉट इन्होंने नहीं लिया, जो जितना लेना है उतना ही लिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और ये मेरा पहला फिल्म है इनके साथ, पहली फिल्म में, अच्छा लगा। कि भाई का रोल जो है ना इनका बहुत इम्पोर्टेंट था कि थैंक यू सो मच।